विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था यानी कि बाल देखभाल संस्थान, जिसका काम था अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन आज उस संस्थान के कर्मी पलामू समरणालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। दूसरों को सहारा देने वाले संस्थान के सदस्य आज खुद बेसहारा होकर अब संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल उस संस्था को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार संस्था में कार्यरत कर्मी अधिकारियों से जांच की गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि साजिश के तहत संस्था को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। अनशन पर बैठे कर्मियों ने साजिश के तहत संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का आरोप लगाया है। साथ ही संस्थान को बंद कराने की साजिश की जाँच समेत विगत 2 वर्षों का बकाया वेतन और जिले के महत्वपूर्ण सेवा को अवरुद्ध करने वाले दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। हमारा संस्था जो है पहले पुराने कर्मियों के साथ मिल करके बाल संरक्षण विभाग के जो अनुबंध कर्मी हैं विभाग में ही आते हैं, बाल संरक्षण हो गए, बाल कल्याण समिति है जिसको CWC शॉर्ट में बोलते हैं, बाल संरक्षण DCPU यूनिट बोलते हैं शॉर्ट में, इन लोगों ने मिलकर साजिश के तहत हम लोगों को विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई चिट्ठी दिए। हमारे संस्था को पिछले शांतनु अग्रहरी सर DC सर थे, उनको दिए और दे करके ब्लैकलिस्ट करवा दिए। इसमें ब्लैकलिस्ट हो गया हम लोगों को 21 जनवरी 2020 को ब्लैकलिस्ट का जब लेटर आई तो हम लोगों ने हमारे महासचिव जो हैं वो अपील में गए। अपील में जाने के बाद वहां से COVID-19 के वजह से थोड़ा लेट हो गई, लेकिन 29 मई 2020 को जांच के लिए जिला राज्य स्तर से जांच के लिए चिट्ठी आई। जिसको भी बाल संरक्षण के भी, जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उस पत्र को भी दबा करके रखे और आज तक जांच नहीं हुई।